हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे के लिए सबसे अच्छी होती है, पर कई रीज़न की वजह से हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते, तो उस केस में हम बच्चे को बॉटल से फीड देते हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को बॉटल से फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बॉटल फीड एक नेचुरल तरीका नहीं है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि बच्चे के ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके दांत में कैविटी हो जाती है, बच्चे को गैस ज़्यादा बनती है। क्योंकि बच्चा जब बॉटल से फीड लेता है तो मिल्क स्लाइवा से मिक्स होकर अंदर नहीं जाता है, जबकि अगर बच्चा स्पून से दूध पीता है या ब्रेस्ट फीड करता है तो दूध स्लाइवा से मिक्स होकर जाता है, जिससे बच्चे को कम गैस बनती है। और बॉटल फीड में कुछ हवा भी ज़्यादा अंदर चली जाती है, जो बच्चे को गैस बनाती है। और बॉटल फीड से बच्चे को पेट के इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए बॉटल फीड कराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, कुछ गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, जिससे बच्चे को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि किस एज पर आपको बच्चे को बॉटल फीड कराना बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम बच्चे के लिए बॉटल सेलेक्ट करें तो वो एंटी कॉलिक होनी चाहिए, जिससे बच्चे को गैस कम बने। नेक्स्ट है, आजकल मार्केट में ग्लास बॉटल अवेलेबल हैं या स्टील की बॉटल भी अवेलेबल हैं, हम उनको ले सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बॉटल बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो BPA फ्री होनी चाहिए वो। नेक्स्ट है, हर 6 मंथ में आपको बच्चे की बॉटल चेंज ज़रूर करनी है। अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा है तो हर 3 मंथ में आपको बच्चे की बॉटल चेंज करनी है। कई बार हमें देखने में लगता है कि बॉटल ख़राब नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको टाइम टू टाइम बच्चे की बॉटल को चेंज करना है। नेक्स्ट है, बच्चे को बॉटल से हर फीड कराने के बाद आपको बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज करना है। बेबी बॉटल को स्टरलाइज करने के 2 तरीके होते हैं। उसके लिए आप बच्चे की बॉटल को पहले अच्छे से साफ कर लीजिए बेबी लिक्विड बॉटल क्लीनर का यूज़ करके, उसके बाद आप उसे स्टरलाइजर का यूज़ करके स्टरलाइज कर सकते हैं। सेकेंड है, आप एक भगोने में पानी को बॉयल कर लीजिए और उसमें 5 मिनट के लिए बेबी बॉटल डाल दीजिए। कई बार बच्चे दिन में कई बार बॉटल से फीड लेते हैं, इसलिए आप एटलीस्ट 6 बॉटल अपने पास रखिए और एक साथ सारी बॉटल को स्टरलाइज कर दीजिए। नेक्स्ट है, जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो प्रॉपर पोजीशन में ही फीड कराइए। जैसे ब्रेस्ट फीड में हम बच्चे को गोद में लेके फीड कराते हैं, ऐसे ही आपको बच्चे को बॉटल से भी फीड कराना है, जिससे बच्चे की नेक ऊपर रहे, इससे बच्चे को गैस भी कम बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है और बच्चा रात को भी फीड लेता है बॉटल से, तो उस केस में आप बच्चे को बॉटल से फीड कराते हैं तो एक बॉटल में पानी भरकर अपने साथ रखिए। जब बच्चा बॉटल से फीड ले तो उसके बाद बच्चे को पानी की भी 1-2 सिप पिला दीजिए, जिससे मिल्क बच्चे के मुंह में या टीथ में लगा हुआ नहीं रहेगा, जिससे बच्चे के टीथ कैविटी होने के चांसेस कम होंगे। अब बात करते हैं कि बच्चे को किस एज तक हमें बॉटल फीड कराना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 1 ईयर से बड़ा हो गया है तो उस केस में आप कोशिश करिए बच्चा जल्द से जल्द बॉटल फीड लेना छोड़ दे, क्योंकि अगर बच्चा बॉटल फीड लेता है तो बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खाता है। और 1 ईयर से बड़े बच्चे को आपको 600 ml से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है, वरना बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।